हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एन एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री आरआरबी एनटीपीसी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी या फिर आरआरसी में, वहाँ से हम लोग 10-20 क्वेश्चन को पिक किए हैं और उस 20 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे साथ रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे हर क्वेश्चन के साथ में। और आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर में जो भी जितने सारे एग्ज़ाम्स हुआ है उसमें हम लोग देखे हैं कि इंडियन हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन मस्ट है, रहता ही है। और ट्रेन जो इन आरआरबी एनटीपीसी या आरआरसी को जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेन है, मैक्सिमम क्वेश्चन जहां से पूछ रहा है उसी से ही हम लोग क्वेश्चन को पिक किए हैं। तो ये सेट वन है। इस तरह से हम लोग टोटल इस तरह का टोटल 10 सेट हम लोग हिस्ट्री का प्रोवाइड करेंगे और 10 सेट आप लोग इसको अगर कवर कर लेते हैं तो होपफुली एक कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का अपकमिंग एग्ज़ाम में जो आरआरबी एनटीपीसी या आरआरसी का देने वाले हैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अदर एग्ज़ाम वाले के लिए भी बता रहे हैं कि ये सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अदर एग्ज़ाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ में कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी सभी को लास्ट तक पूरे वीडियो को वॉच कीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज सत्यमेव जयते मीन्स। सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? ऑप्शन ए ट्रूथ अलोन ट्रियम्स, ऑप्शन बी ट्रू फेथ इज रेयर, ऑप्शन सी ट्रूथ इज डिवाइन, या फिर ऑप्शन डी ट्रूथ इज ए ट्रेजर। तो सत्यमेव जयते का मतलब होता है ट्रूथ अलोन ट्रियम्स। ट्रूथ अलोन ट्रियम्स मीन्स सच्चाई अकेले जीतता है, सच्चाई अकेले जीतता है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। सत्यमेव जयते से एक पॉइंट और याद रखिएगा, सत्यमेव जयते इज फाउंडेड इन मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ पे मेंशन्ड है या पे कहाँ पे पाया जा, कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते इज रिटेन और फाउंडेड इन और मेंशन इज मुंडक उपनिषद। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, मुंडक उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा इन सारनाथ इज कॉल्ड। बुद्धा के द्वारा जो पहला प्रवचन सारनाथ में दिया गया था उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में देख लेते हैं, महाविनिष्कर्मण, ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी महामस्तविष्का, या फिर ऑप्शन डी धर्मचक्र परिवर्तन या धर्मचक्र परिवर्तन। तो करेक्ट आंसर इज धर्मचक्र परिवर्तन। लॉर्ड बुद्धा के द्वारा सारनाथ में जो पहला प्रवचन या फर्स्ट डिस्कोर्स दिया गया था उसे कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन का मीनिंग होता है टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। तो एक चीज़ यहाँ से और याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा के डेथ को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो इसे भी याद रखिएगा। ये आरआरबी 2005 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथीएस्ट क्लासिकल इपिक ऑफ इंडिया इज। इंडिया का लेंथीएस्ट या फिर लॉन्गेस्ट पूछे क्लासिकल इपिक इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए भगवद गीता, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी गीता गोविंदा, या फिर ऑप्शन डी महाभारत। तो करेक्ट आंसर इज महाभारत। महाभारत सिर्फ इंडिया का नहीं वर्ल्ड का भी लॉन्गेस्ट इपिक है, इसे याद रखने की ज़रूरत है। महाभारत इज़ द लॉन्गेस्ट इपिक ऑफ वर्ल्ड। एंड महाभारत से कुछ और पॉइंट याद रखिए, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछे महाभारत किसने लिखा था। तो महाभारत इज़ रिटन इज वेद व्यास, महाभारत इज़ रिटन इज वेद व्यास। नेक्स्ट, महाभारत का पुराना नाम क्या था या प्रीवियस नेम क्या था? तो प्रीवियस नेम ऑफ महाभारत इज़ जय संहिता। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता था। एंड महाभारत इज नॉन एज इंडियन इंसाइक्लोपीडिया, महाभारत को इंडियन इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। दूसरा, महाभारत में टोटल 100,000 स्लोकाज है। नंबर ऑफ स्लोकाज इन महाभारत इज 100,000। तो ये पूरा पॉइंट को याद रखिएगा, महाभारत इज रिटेन बाय वेदव्यास, प्रीवियस नेम ऑफ महाभारत इज जय संहिता, महाभारत इज नॉन एज इंडियन इंसाइक्लोपीडिया एंड नंबर ऑफ स्लोकाज इन महाभारत इज 100,000। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम महाभारत से इन सारे पॉइंट्स से क्वेश्चन करें तो आप लोग जो है जितने सारे पॉइंट्स हम बताएं उसको आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ मैन, स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ मैन इन आर्यन सोसाइटी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज इज करेक्ट। आर्यन सोसाइटी में लाइफ ऑफ मैन को फोर स्टेज में डिवाइड किया गया था एंड फोर स्टेज का असेंडिंग करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, आपको इन चारों ऑप्शन में से चुनना है, ऑप्शन ए बी सी डी। तो आर्यन सोसाइटी में जो फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ था मैन का, फोर स्टेज ऑफ लाइफ, उसे चतुर आश्रम कहा जाता था। चतुर आश्रम, चतुर आश्रम में जो फर्स्ट स्टेज आता था वो स्टूडेंट लाइफ होता था जिसे ब्रह्मचार्य कहा जाता था। तो फर्स्ट स्टेज इज ब्रह्मचार्य, सेकेंड स्टेज होता था मैरिड लाइफ एंड लीड ए फैमिली, विवाहित जीवन एंड एक फैमिली का, फैमिली को लीड करना, उसे गृहस्थ कहा जाता था। एंड थर्ड स्टेज होता था लाइफ फॉर सर्विस टू अदर्स, दूसरे की सेवा के लिए अपने जीवन को जीवन यापन करना या अपने जीवन को देना, जिसे वानप्रस्थ कहा जाता था। एंड फोर्थ स्टेज वाज फॉरेस्ट लाइफ, जिसे संन्यासा कहा जाता था। तो टोटल हम लोग देखिए चतुर आश्रम में चार स्टेज था, चार स्टेज में फर्स्ट स्टेज आता था ब्रह्मचार्य, जिसका अगर हम लोग सही असेंडिंग ऑर्डर देखें तो ऑप्शन ए में हम लोग को नज़र आ रहा है, फर्स्ट ब्रह्मचार्य, स्टूडेंट लाइफ, सेकेंड गृहस्थ, मैरिड लाइफ एंड लीड ए फैमिली, थर्ड स्टेज वानप्रस्थ, लाइफ फॉर सर्विस टू अदर्स एंड लास्ट स्टेज इज संन्यास फॉरेस्ट लाइफ। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, ये RRB 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द अर्लीस्ट होमोनॉइड टू बी क्लासिफाइड एज ह्यूमन होमोसेपियंस वेयर दी, होमोसेपियंस की तरह या होमोसेपियंस का जो अर्लियर ह्यूमेनॉइड फेस था या ह्यूमन बींग की तरह देखने में जो लगते थे उन्हें क्या कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन ए इर्गेस्टर लाइन, ऑप्शन बी क्रोमैग्नॉन, ऑप्शन सी नियंदरथल या फिर ऑप्शन डी प्रोकोंसुल। तो ह्यूमन बींग आज से 40,000 ईयर्स अगो, 40,000 साल पहले, आज से 40,000 साल पहले ह्यूमन बींग जिस तरह से देखते थे उस स्पेसिस को क्रोमैग्नॉन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्रोमैग्नॉन। और उसी क्रोमैग्नॉन का डेवलप्ड फेस कर सकते हैं आज का मॉडर्न मैन है, या फिर मॉडर्न मैन बिलोंग्स टू देयर स्पेसिस, उन स्पेसिस से ही आज का मॉडर्न मैन आया है। तो उन लोगों को जो आज से 40,000 ईयर्स अगो जो अर्लियर होमोसेपियंस था उसे हम लोग क्रोमैग्नॉन के नाम से जानते थे। तो उन लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमैग्नॉन। RRB NTPC 2016 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस गायत्री मंत्र, इनमें से किस में गायत्री मंत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी अर्यंका। तो गायत्री मंत्र पाया जाता है ऋग्वेद में। हम लोग जानते हैं वेद टोटल चार हैं, उस चार वेद में से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद ही है, तो इससे भी याद रखिएगा ओल्डेस्ट वेद इज ऋग्वेद। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में आपसे ये पूछ ले ओल्डेस्ट वेदा के बारे में, तो याद रखिए ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेदा। अच्छा, गायत्री मंत्र कहाँ ऋग्वेद में पाया जाता है, ये क्वेश्चन कब RRC 2012 में ये क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्ट वॉज पैट्रोनाइज बाई जहांगीर, जहांगीर के द्वारा कौन सा आर्ट पैट्रोनाइज किया जाता था? ऑप्शन देख लेते हैं, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी पेंटिंग, ऑप्शन डी म्यूजिक। तो मुगल रूलर जहांगीर के टाइम में पेंटिंग बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था एंड ये खुद उसके पैट्रोनाइजर भी थे, तो आंसर हो जाएगा पेंटिंग। जहांगीर से एक पॉइंट और याद रखिएगा, जहांगीर नॉन एज मैन ऑफ जस्टिस, इसे मैन ऑफ जस्टिस कहा जाता था। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछ ले कि कौन सी मुगल रूलर मैन ऑफ जस्टिस कहलाते थे, तो आंसर इज जहांगीर। ये RRC 2012 में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच गवर्नर जनरल एंडेड द सती सिस्टम, इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल सती सिस्टम या सती प्रथा को खत्म किए थे? ऑप्शन ए सर जॉन शोर, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो करेक्ट आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा को या सती सिस्टम को 1829 में एबोलिश किए थे, बैन लगाए थे कि सती सिस्टम अब से बैन है। याद रखिएगा डेट 1829, 1829। सती सिस्टम को सबसे पहले रॉयल एग्रीमेंट के द्वारा सती सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज़ उठाए थे हुमायूँ, मुगल रूलर हुमायूँ, एंड
बाद में फिर अकबर ऑफिशियल ऑर्डर भी निकाले थे, इशू किए थे ऑफिशियल ऑर्डर कि सती सिस्टम को बंद करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। एंड लास्टली 1829 में सती सिस्टम को लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रोहिबिट करार दिए और बंद कर दिए। ठीक है, तो ये सती सिस्टम कौन सा गवर्नर जनरल के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ख़त्म किया गया था या प्रोहिबिट किया गया था, ये देखिए RRB 2009 में ये क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वुमेन सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की इनमें से कौन सबसे पहली सुल्तान थी, वुमेन सुल्तान, ठीक है, महिला सुल्तान। ऑप्शन ए गाजिया, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी साजिया, या फिर नन ऑफ दीज। तो दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट महिला सुल्तान, फर्स्ट वुमेन सुल्तान और फर्स्ट एंड लास्ट भी कह सकते हैं, वाज रजिया सुल्ताना या फिर रजिया। तो हम लोग आंसर हो जाएगा रजिया। अच्छा, रजिया से एक पॉइंट याद रखिएगा, रजिया बिलोंग्स टू स्लैब डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। रजिया दिल्ली सल्तनत की स्लैब डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स बिल्ड बाई मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इनमें से कौन सा मोनूमेंट मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया। इस सेड टू बी बिल्ड, कहा जाता है कि वो इसलिए बनाए थे टू कमोमोरेट द इरेडिकेट ऑफ प्लेग, प्लेग बीमारी के ख़त्म होने के सेलिब्रेशन के लिए, सेलिब्रेशन बनाने के लिए। इनमें से कौन सा मोनूमेंट मोहम्मद कुली कुतुब शाह बिल्ड किए थे या बनवाए थे, ठीक है, प्लेग बीमारी का इरेडिकेशन के लिए। इसको याद रखिएगा, कहा जाता है कि प्लेग बीमारी के इरेडिकेशन के लिए इनमें से कौन सा मोनूमेंट बनवाए थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन ए अलाई मीनार, ऑप्शन बी चार मीनार, ऑप्शन सी फतेह बुर्ज, या फिर ऑप्शन डी कुतुब मीनार। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी चार मीनार। ये देख लीजिए RRB NTPC 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर्स रेन वाज इन द हैंड ऑफ। अकबर के समय में, अकबर के काल में रेवेन्यू सिस्टम किसके हाथों में था। ऑप्शन ए बैरम खान, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी बीरबल, या फिर ऑप्शन डी टोडरमल। करेक्ट आंसर इज टोडरमल। टोडरमल या राजा टोडरमल अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे और पूरा रेवेन्यू सिस्टम को राजा टोडरमल ही कंट्रोल करते थे, या उन्हीं के हाथों में रेवेन्यू सिस्टम का भार था। RRB 2006 में यह क्वेश्चन पूछा गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द बिग टेम्पल इन तंजावुर वॉज बिल्ड बाई। तंजावुर का जो बड़ा टेम्पल है वो कौन बनवाए हैं। ऑप्शन ए कुलोथंगा चोला, ऑप्शन बी राजा राजा चोला या राजा राज चोला कह सकते हैं, ऑप्शन सी राजेंद्र चोला, ऑप्शन डी सुंदरा चोला। तो तंजावुर का जो बड़ा टेम्पल है वो राजेंद्र चोला बनवाए थे। ठीक है, तो हम लोग आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र चोला। RRB 2005 का क्वेश्चन है। राजेंद्र चोला से एक पॉइंट और याद रखिएगा, राजेंद्र चोला वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी। चोला वंश या चोला डायनेस्टी के शक्तिशाली रूलर या शक्तिशाली किंग राजेंद्र चोला ही थे। तो राजेंद्र चोला से ये पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मधुबनी पेंटिंग स्टाइल इज नेटिव टू विच स्टेट। मधुबनी पेंटिंग स्टाइल इनमें से कौन सा स्टेट में फ्लरिश हुआ था या उससे ताल्लुक रखता है, बिलोंग रखता है या संबंधित है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो मधुबनी पेंटिंग स्टाइल फ्लरिश हुआ था बिहार में, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और हम लोग जानते भी हैं मधुबनी बिहार का ही एक क्षेत्र का नाम है, तो उसी के नाम से ही वहाँ का पेंटिंग भी फ्लरिश हुआ था। तो आंसर इज बिहार। ये RRB NTPC 2016 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द कांग्रेस, कांग्रेस से रिजाइन होने के बाद सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड फॉरवर्ड ब्लॉक इन। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन करते हैं कांग्रेस से रिजाइन होने के बाद, इनमें से कौन सा साल में। ऑप्शन देख लीजिए ए 1939, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1940 या फिर ऑप्शन डी 1941। तो करेक्ट आंसर इज 1939। एक्चुअली ये 22 जून 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन किए थे, एस्टेब्लिश किए थे कौन, सुभाष चंद्र बोस। RRB 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हु ऑर्डर्ड फायरिंग इन जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग में फायरिंग का ऑर्डर कौन दिए थे? हम लोग जलियांवाला बाग का घटना जानते हैं कि एक बाग में जो है इंडियंस स्पेशली सिख कम्युनिटी के लोग जमा हुए थे और जिसमें जो है फायरिंग का ऑर्डर दिए थे और जिसमें बहुत सारे इंडियंस मरे थे, मतलब कि किल किया गया था बहुत सारे इंडियंस को और बहुत सारे इंजर्ड हुए थे। तो ऑर्डर इनमें से कौन पास किए थे या कौन ऑर्डर दिए थे? ऑप्शन ए माइकल ओ डायर, ऑप्शन बी जनरल आर ई एस डायर, ऑप्शन सी केम्स फोर्ड या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हम लोग जानते हैं कि ये ऑर्डर दिए थे जनरल डायर, जिसका पूरा नाम जनरल आर ई एच डायर है। जलियांवाला बाग से रिलेटेड कुछ पॉइंट याद रखिए, ये इंसिडेंट 13 अप्रैल 1991 में हुआ था, 13 अप्रैल 1991 में हुआ था अमृतसर में, 13 अप्रैल 1991 इन अमृतसर। उस वक्त बैसाखी फेस्टिवल का सीजन था। ये एग्ज़ाम में कई बार भी पूछा गया है कि जलियांवाला बाग का इंसिडेंट किस समय में हुआ था, तो बैसाख के समय में या बैसाखी फेस्टिवल के समय में। और उस वक्त पंजाब के ब्रिगेडियर जनरल थे रेगनार्ड डायर, और यही जो है फायरिंग करने का ऑर्डर किए थे, और जिसमें हम जैसे भी बताएं कि बहुत सारे इंडियंस का मतलब कि मृत्यु हुई थी उसमें और बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ फॉलोइंग द वायलेंस एट चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट? चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट में जो वायलेंस हुआ था, उस वायलेंस के कारण इनमें से कौन सा मूवमेंट को विदड्रो कर लिया गया या फिर कॉल ऑफ कर दिया गया था? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा मूवमेंट है। खिलाफत मूवमेंट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन सी नन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर ऑप्शन डी होम रूल मूवमेंट। ठीक है, तो चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट 4 फरवरी 1922 को घटा था, 1922 4 फरवरी को। इस इंसिडेंट में एनसीएम नन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो पार्टिसिपेंट थे उनके और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई थी, और जिसमें जो है नन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो पार्टिसिपेंट थे वो लोग पुलिस स्टेशन को मतलब पुलिस स्टेशन में आग लगा दिए थे और बहुत ही वायलेंस मचा था, जिसके वजह से गांधी जी नन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिए थे। क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट एक शांतिपूर्वक मूवमेंट है जो अगेंस्ट दी वायलेंट है, और चूँकि इसी मूवमेंट के समय में एक वायलेंस हो गया है जो पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया, जिसमें बहुत सारे पुलिस की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से गांधी जी जो है नन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिए। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा चौरा चोरी इंसिडेंट के वायलेंस की वजह से नन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया गया था या फिर कॉल ऑफ कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया? इनमें से कौन इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट करने के समर्थन में थे? कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट होना चाहिए, कौन इसका समर्थन करते थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण बहुले। तो करेक्ट आंसर इज राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय से एक दो पॉइंट और याद रखिए, राजा राममोहन रॉय को द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, और राजा राममोहन रॉय को द फर्स्ट मॉडर्न मैन इन इंडिया भी कहा जाता है, फर्स्ट मॉडर्न मैन इन इंडिया। तो हम लोग का ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का, राजा राममोहन रॉय। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। दिस स्लोगन वाज गिवेन बाय, ये स्लोगन कौन दिए थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्लोगन दिए थे लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक का पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक एंड लोकमान्य उसका टाइटल है। बाल गंगाधर तिलक से एक पॉइंट और याद रखिए, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछ ले
बाल गंगाधर तिलक इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। चलिए तो ये था लोकमान्य तिलक से क्वेश्चन, ये देख लीजिए RRC 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1889 वॉज, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1889 में पहला साप्ताहिक न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ था उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इंडियन पीपल, या फिर ऑप्शन डी वॉइस ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज यंग इंडिया। ठीक है, ये RRB 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लाला लाजपत रॉय सफर्ड फैटल इंजरीज ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट दी, इनमें से कौन सी कमीशन या मूवमेंट के अगेंस्ट के लिए लाला लाजपत राय को बहुत ही गंभीर इंजरी हुई थी और जिसके वजह से फिर उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी साइमन कमीशन, या फिर ऑप्शन सी जलियांवाला बाग मैसेकर, या फिर ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट। इनमें से कौन सी घटना के इंसिडेंट की मतलब प्रोटेक्ट करने की वजह, प्रोटेस्ट करने के कारण पुलिस के द्वारा लाला लाजपत राय पर लाठी से मतलब हमला हुआ था और जिसमें जो है बहुत ही गंभीर इंजरी हुई थी और जिसके कारण उसका मृत्यु भी हो गया था। और सिर्फ लाला लाजपत राय भी नहीं, सिर्फ वो ही नहीं थे, भगत सिंह भी इसमें शामिल थे। तो इनमें से किसका प्रोटेस्ट कर रहे थे क्वेश्चन में ये पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इंडिया में 1828 को पहुँचे थे मुंबई में, और भगत सिंह, लाला लाजपत राय और बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके लिए इसमें, और जिसमें जो है जैसे बताया गया कि लाला लाजपत राय को बहुत बुरी तरह से जो है जख्मी हो गए थे और जिसके वजह से जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था और साइमन कमीशन इंडिया में क्यों आया था इसको भी याद रखिए। साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, साइमन कमीशन को इंडिया भेजा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ऑफ इंडिया, इंडिया का में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाना था उसके लिए भेजा गया था। और ये लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होगा और उस कमेटी में या उस कमीशन में कोई इंडियन नहीं थे, इस वजह से ये प्रोटेस्ट चल रहा था। तो प्रोटेस्ट का कारण भी याद रखिएगा, देर आर नो इंडियन इन दिस कमीशन, दैट्स वाई देवेर प्रोटेस्टिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का कंप्लीट हो गया इस सेट का, सेट नंबर 1 था। और वीडियो अगर आप लोग को लाइक अच्छा लगा है तो भाई लाइक कीजिए, और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे आप लोग को बताया गया कि हिस्ट्री का हम लोग RRB NTPC का हिस्ट्री का टोटल 10 सेट को प्रोवाइड करेंगे, और आप लोग पूरा 10 सेट को ज़रूर देखिएगा, और आप लोग का होपफुली अपकमिंग एग्ज़ाम जो RRB NTPC का आप देने वाले हैं अपेयर होने वाले हैं उसमें से जो 3 या 4 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन तो मस्ट है पूछेगा ही, ये आपको ज़रूर वहाँ से कॉमन क्वेश्चन मिलेगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।